एक न्यू मैच आया हुआ है यहाँ पे आर्टिक मोड करके, मैं अभी यही आपको प्ले करके बताऊंगा कि आपको इसमें क्या क्या न्यू देखने के लिए मिलेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो सारे? तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये पूरा गेम प्ले 30 मिनट का था, बट मैंने इसे काट छांट कर 10 मिनट का बनाया हुआ है। और जितना भी चीज़ है, ड्रोन फायर से आपको खुद को वार्म करना और कोल्ड स्ट्रोम, मैंने सब हर एक एक चीज़ को यहाँ पे अच्छे से कवर किया है और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आपको बस यही करना है कि वीडियो को देखना है, मैं आपको ज़्यादा नहीं चाटूंगा, ये गेम बस चलता रहेगा। और जो भी मेन मेन सीन है मैं बस वही आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ, और बीच बीच में मैं आपको दिखाऊँगा, ऑफर वॉइस यहाँ पर करता रहूँगा। और आपको यहाँ पे कोई इंटेंस मैच देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बस एक नॉर्मल मैच है बॉट वाला। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इन्वायरमेंट देख रहा था, तो ये थोड़ा सा फॉगी है और थोड़ा कलरफुल ज़्यादा है नॉर्मल वैकेंडी मैप से, या फिर हो सकता है ये ग्राफिक्स का इम्प्रूवमेंट हो, क्योंकि मैंने नॉर्मल वैकेंडी मैच अभी नहीं खेला है इसमें, तो पता नहीं, ये थोड़ा सा फॉगी ज़रूर लग रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आया और अभी मैं यहाँ पे लूट ही रहा था, तो मुझे कुछ ये ब्रांचेस मिले। ये हर जगह फैले हुए हैं, काफ़ी कॉमन है, आपको गन से तो ज़्यादा ये ब्रांच ही मिलेंगे। तो मैं ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कलेक्ट कर रहा था और देख रहा कि गन भी है या फिर बस यही सब है। तो मुझे यहाँ पे एक और न्यू आइटम मिला है, जो कि आपको वार्म करने के काम में आएगा। यहाँ पर वार्म पैक करके ये ऊनी कपड़ा टाइप का, जैसे कि बैंडेज लपेटता है ये कैरेक्टर, वैसे इसे लपेट लेता है और फिर थोड़ी देर तक ये बाहर सर्वाइव कर सकता है। फिर मैं नॉर्मली लूट करके आगे बढ़ रहा था, तो यहाँ पे मुझे एक लाइट सा दिखा, तो वहाँ जाना तो बनता ही है। तो ये एक आपको लूट आप बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे लूट ये स्पॉन हुआ है और इससे मुझे मिला एक ऑग और यहाँ पे एक हीटर मिला। तो चलो मैं अभी आपको हीटर का यूज़ दिखाता हूँ क्या है। आप हीटर को इंडोर में तो यूज़ कर ही सकते हो, बट अगर आप आउटडोर में हो और वहाँ पे कोल्ड वाला आ गया है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो खुद को वार्म करने के लिए। बट आप जब ये यूज़ करोगे तो ना ही आप फायर कर सकते हो और ना ही आप व्हीकल जला सकते हो, बस आपके हाथ में यही रहेगा, ये काफ़ी हद तक आपको प्रोटेक्ट करेगा। और ये आपके स्क्वाड को भी अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। वैसे मैंने अभी ये ट्राई तो नहीं करा है, बट ये जैसा कि एक सर्कल बनाता है, तो उस सर्कल में आपका पूरा स्क्वाड आ सकता है। मैं यहाँ से गुजर रहा था, तभी यहाँ पे मुझे कुछ चिकन उड़ता हुआ दिखा, और ये अभी उछल रहा था, उड़ तो नहीं रहा था, बट आप ऐसा कर सकते, उछल रहा था। मैंने इसे व्हीकल से घुमाने की कोशिश किया, लेकिन ये हुआ नहीं, मरा नहीं। तो मैं जब इसके पास गया तो कोई ऑप्शन नहीं आया, बट जब आप इसको किल करोगे गन से, तो फिर आपको ये ग्रैब करने का ऑप्शन आएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा मस्ती करने वाला हूँ, आप लोग भी इंजॉय करो। Arrive in 60 seconds. Please enter a building and light a fire to stay warm. आपने जो अभी ये वार्निंग सुना है, तो मैं भी यहाँ पे थोड़ा चौंक गया, तो मैं यहाँ पे एक घर के पास आया और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैप के नीचे 6 सेकंड बचा हुआ है काउंटडाउन का,
तो मैं थोड़ा बाहर जाना चाह रहा था कि जैसे कि मैं फील कर पाऊँ कि कोल्ड स्टॉर्म है कैसा। और ये था सेकेंड वार्निंग। तो यहाँ पे मुझे जब मैं घर पे जा रहा था तो ये मुझे मैप पे दिखा और यहाँ पे मेरा लाइफ बहुत ज़्यादा जा रहा था। तो चलो देखते हैं अभी फायर का क्या यहाँ पे इन्होंने डाला हुआ है। तो यहाँ पे जब मैं आया तो यहाँ भी ब्रांच चेज था, तो यहाँ मुझे ऐसा लगा ना कि मेरा हेल्थ नहीं जाएगा, बट हेल्थ जब जाने लगा अंदर रहने के बाद भी, तो मैंने ये हीटर जलाया और फिर ये मैंने फायर वाला यूज़ किया। यहीं पे ऑप्शन आ जाता है जब आप इसमें ब्रांचेस ऐड, जो कि ऑप्शन है मेरे पास 15 है, जब आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे इसका टाइम फायर का वो इंक्रीज़ होगा। और आपको ये जो कि चिकन था मैंने उस पे डाला है रोस्ट करने के लिए, ये खाने के बाद आपको वार्म का जो कि नीचे FPP के बटन के पास देखो एक अलग सी बार है, आपको ये हमेशा फुल रखना है अगर ये स्टॉर्म आया कोल्ड वाला। तो काफ़ी यूनिक सा दिया हुआ है, बट यहाँ पे तो ज़्यादातर कोल्ड वाला स्टॉर्म आता रहता है, तो पता नहीं ये कैसे होगा। फिर भी चलो देखते हैं आगे खेल के कि आप लड़ोगे कैसे, काफ़ी टफ गेम होने वाला है ये। कुछ देर में जब वो ख़त्म हो गया था, तो फायर जब ख़त्म हो गया तो मैंने यहाँ पे और कुछ ब्रांच उठाया। और फिर चलो मैं जब यहाँ पे आया तो एक रोस्टेड चिकन था, जब आप उस पर चिकन डालते हो तो बस उतना ही नहीं, वो रोस्ट होने के बाद नीचे आ जाता है, तो आपको उसे ग्रैब करना होगा, भूलना मत। और फिर जब आप इसे खाओगे तो आपका वो एनर्जी बार लेवल जो कि है वो फुल हो जाएगा। अब बारी है वो मैप पे जो कुछ कुछ फायर दिख रहा है वहाँ पे जाने की। मैं यहाँ पे आया, मैप पे ये फायर दिख रहा था, तो देखो यहाँ पे ये बॉट एक है, मैंने शुरू में ध्यान नहीं दिया बट जब ध्यान दिया तो ये बॉट था। और ये सिस्टम के द्वारा ही कुछ फायर यहाँ पे जलाया गया है, तो बॉट लोग भी फायर के पास अट्रैक्टिव होते हैं। तो आप इसको एक बेट की तरह भी यूज़ कर सकते हो कि किसी बॉट का पीछा करो और जब फायर स्टॉर्म आएगा तो वो किसी फायर के पास में जाएगा, मे बी वहाँ बंदे हों। यहाँ पे मैं जब ड्रॉप लूट रहा था ना तो मुझे ये मिला ड्रोन, तो चलो अभी अभी इस ड्रोन को यूज़ करना है। फिलहाल मैं सेफ हो गया और देखते हैं इस ड्रोन से क्या क्या कर सकते हैं। इस ड्रोन को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, बट देखते हैं ये फिर कितना ऊंचा जाता है। ये ट्री के तो ज़्यादा ऊंचा नहीं जा रहा, ट्री के इतना ही, ट्री के लेवल पर थोड़ा सा ऊंचा है लेकिन ज़्यादा नहीं जा रहा। यहाँ पे मुझे एक ड्रॉप आता हुआ दिखा, तो चलो देखते हैं ड्रॉप को हम सब लूट सकते हैं कि नहीं इसे, या फिर देख सकते हैं कि नहीं कि ड्रॉप में क्या गन है। मे बी यहाँ पे अगर कोई स्क्वाड लूट करने आए और इस ड्रोन में कुछ नेड वगैरह सब का फीचर रहे तो ज़्यादा काम और ज़्यादा यूज़फुल होगा। नॉर्मल स्काउटिंग के लिए तो ठीक है, बट क्या पता जब मैं यहाँ पे ड्रोन उड़ा रहा हूँ तो वहाँ पे अगर कोई आ गया तो फिर इसका रिएक्शन क्या होगा, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जब एनिमी या बॉट आपका हेल्थ बार लो करेगा तो ये नोटिफिकेशन आता है कि योर बीइंग अटैक। और यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था कि कोल्ड स्टॉर्म मेरा लाइफ घटा रहा था, तो ये नोटिफिकेशन आया। तो यहाँ पे मैं जल्दी से फायर जला लेता हूँ और फिर एक बार इसको उड़ाएंगे। Footsteps detected. ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आता है जब आपके आसपास बंदे रहेंगे, तो ये थोड़ा अच्छा है। ड्रोन का बैटरी जब ख़त्म हो जाएगा पावर, तो आप मल्टीपल ड्रोन अपने बैग में रख सकते हो और आपको ड्रोन शायद सिर्फ और सिर्फ एयर ड्रॉप से ही मिलेगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर चैनल वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।